नमस्कार 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 दोस्तों, आज आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आज जो है हम लोग जो है स्नेक की बात नहीं करेंगे, सांपों के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ जो जो स्नेक कैचर हैं, सर्प मित्र हैं, उनका थोड़ा सा नाम लेकर और उनको एक एक लाइन जो है गाने के मैं डेडिकेट करूँगा, क्योंकि सब बढ़िया काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी जितने भी स्नेक कैचर जो सर्प मित्र हैं उनको तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अब बहुत ही बढ़िया और उम्दा काम कर रहे हैं वो। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी अगर स्क्रीन के सामने आकर अगर काम करता है तो ही वो बढ़िया काम कर रहा है। बहुत सारे सर्प मित्र जो ऐसे हैं जो किसी के सामने नहीं आते लेकिन अपना काम जो है पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे जो जांबाज सर्प मित्र है सबको मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, जो कि पर्यावरण की जो रक्षा कर रहे हैं बेजुबान प्राणी को बचाकर। तो और हमारा जो YouTube चैनल है इसके ऊपर कुछ स्नेक कैचर ऐसे हैं जो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, लोगों का जो डर दूर हो, अंधविश्वास दूर हो और ओझा होने के चक्कर में ना पड़े। इस वजह से जो है हम लोग यूट्यूब में जो वीडियो डालते हैं और हम सबका यही मकसद है कि सांपों को इंसानों से, इंसानों को सांपों से दूर करना। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र पुणे से हूँ। तो सबसे पहले महाराष्ट्र से हम जो है शुरुआत करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के जो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर से हैं, सर्प मित्र आकाश यादव जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने हाल ही में जो है उनकी एक वीडियो देखी जिसके अंदर जो उन्होंने अपना जो हुलिया था, अपना जो लुक है वो बनाया था हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन जी, जो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान से जो भारत लौटे थे। तो मैं देख के खुद हैरान हो गया, मैं खुद एकदम शॉक हो गया कि हूबहू जो है सर्प मित्र आकाश यादव जी जो अभिनंदन कमांडर, विंग कमांडर जो अभिनंदन है उनकी तरह जो हूबहू जो है दिखाई दे रहे हैं, उनका जो हुलिया है हूबहू वैसे दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से जो है उनको जो मैं नाम देता हूं, उनको मैं यह नाम देता हूं स्नेक कमांडर, स्नेक कमांडर आकाश यादव। तो स्नेक कमांडर आकाश यादव जी जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और काफ़ी मेहनत करके मौत के मुंह में जाकर बेजुबान प्राणियों को बचाकर उनको नेचर में छोड़ रहे हैं। तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनका जो साथ देते हैं स्नेक कमांडर आकाश यादव जी, उनकी जो टीम है उनका जो साथ देते हैं, तो मैं दो लोगों से वाकिफ हूँ। एक जो है अतुल पाखरे जी जो उनके साथ हमेशा रहते हैं और शायद मेरे ख्याल से कैमरामैन भी वही हैं ऐसा मुझे लगता है, तो उनको भी मेरी तरफ से सलूट। और दूसरे हैं नवाज शेख, नवाज शेख साहब जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, मैंने दो तीन बार वीडियो देखी उनकी, कुएं के अंदर जब उतरते हैं वो काफ़ी गहरा कुआं होता है और उसके अंदर उतर कर जब वो बेजुबान प्राणियों की जान बचाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखकर, और काफ़ी डेयरिंग वाले और काफ़ी हिम्मत वाले हैं। तो हम जो है पूरी टीम को सलाम करते हैं, आकाश यादव जी की पूरी टीम को सलाम करते हैं और मौत के मुंह में जाकर वो जो काम करते हैं उसके लिए मैं कुमार सानू जी के एक जो लाइन है उनके लिए गाना चाहूँगा, कुमार सानू जी के अंदाज में। जिंदगी मौत के कितने पास आ गए, जिंदगी की तलाश मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा था हमने कभी आ गए हम कहाँ आ गए। तो
तो ये जो है आकाश जादव की टीम के लिए जो है मैंने जो सॉन्ग जो है डेडिकेट किया था। दूसरा एक सॉन्ग की और एक लाइन जो है गुनगुनाना चाहूंगा मैं। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन मुश्किलों में वतन, सर परोशे की शमा दिल में जलाएंगे यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तो ये थे हमारे सर्व मित्र आकाश यादव जी जो अहमदनगर से, उनके लिए ये मैंने जो है डेडिकेट किया था। और गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, पसीना भी आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड से। झारखंड से जो है बप्पी दा, स्नेक एक्सपर्ट बप्पी दा जो है, उनका एक चैनल है, बहुत ही बढ़िया इंसान और काफ़ी तजुर्बा है उनको, उनके जैसा जो तजुर्बा उनकी तरह जो नॉलेज है शायद और किसी में तो मैंने देखा नहीं है अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत उनको जानकारी है और काफ़ी मतलब माहिर है इस काम में और कई सालों से कर रहे हैं। बप्पी दा स्नेक एक्सपर्ट जो कि झारखंड से है, तो बहुत ही बढ़िया इंसान है। और जब वो चैनल के सामने आते हैं तो उनका जो दोस्तों यह शब्द के ऊपर काफ़ी जोर होता है, एक मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, तो दोस्तों के ऊपर उनका काफ़ी जोर होता है। जैसे कि जैसे वो चैनल के सामने आते हैं तो आने के बाद नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल बप्पीदा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम सांपों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो उनका जो है दोस्तों के ऊपर काफ़ी जोर होता है और बहुत ही बढ़िया इंसान है, तो उनके लिए मैं एक सॉन्ग जो है डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि बप्पीदा उनका जो नाम है तो बप्पीदा का नाम सुनकर हमको हमारे म्यूजिक कंपोजर जो है बप्पीदा उनकी याद आ गई, और उनका एक सॉन्ग जो है मैं उनको डेडिकेट करूँगा बप्पीदा जी के लिए। तो बप्पीदा की जो मिमिक्री तो मुझे इतनी आती नहीं है, लेकिन मैं रफ़ी साहब के अंदाज में उनका एक जो सॉन्ग है एक लाइन जो है उनके लिए मैं डेडिकेट करता हूँ। यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। तो ये सॉन्ग की जो एक लाइन है ये डेडिकेट की थी मैंने हमारे बप्पीदा जी के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड से ही मुबारक अंसारी जी का, क्योंकि काफ़ी एक अलग टाइप के इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है और बहुत मज़ा आता है उनकी वीडियो देखकर, एक एंटरटेनमेंट भी होता है और सीखने के लिए काफ़ी मिलता है, और हमारे मित्र भी अच्छे हैं वो। तो बप्पीदा अपना सॉरी मुबारक अंसारी जी के बारे में थोड़ा सा एक कहना चाहूँगा कि उनकी जो एक स्टाइल है सबसे अलग है यूट्यूब चैनल पर, उनका तरीका, उनका बोलने का स्टाइल, उनके कुछ जुमले हैं जैसे कि वो जब स्क्रीन के सामने आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि सांपों को मारिएगा नहीं, सांपों की रक्षा से होगा पर्यावरण का संरक्षण। और उनका एक जुमला है, बिना प्रशिक्षण के जो है सांपों को पकड़िएगा नहीं, नहीं तो ये जानलेवा होगा। कौन लेवा होगा? जानलेवा होगा। तो ये इनका जो जुमला है बहुत बढ़िया, मजा आता है सुनकर। तो मुबारक अंसारी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बढ़िया इंसान है, तो उनके लिए जो है एक दोस्ती के ऊपर जो सॉन्ग में जो एक लाइन जो डेडिकेट करूंगा फिल्म याराना से,
तेरे जैसा यार का ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार का ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो ये जो एक लाइन है मुबारक अंसारी जी जो झारखंड से, उनके लिए डेडिकेट की थी मैंने। और इसके बाद मैं एक बात करना चाहूँगा गुजरात से जो है हमारी जो बहन है भावना पटेल जी, गुजरात से भावना पटेल जी हैं, उनकी एक दो वीडियो मैंने देखी है क्योंकि काम में बिजी होने की वजह से स्टूडियो का काम होता है तो इतना वीडियो देखने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहादुरी का काम कर रही हैं। और औरतों के लिए जो है एक मिसाल है वो, कि औरतें जो है किसी से कम नहीं है, जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है, बल्कि एक टाइम औरत जो है मर्दों से दो कदम आगे है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारी जो बहन है गुजरात से भावना पटेल जी, उनके लिए जो मैं एक लाइन जो है डेडिकेट करूँगा, क्योंकि काफ़ी सयानी है, काफ़ी होशियार है वो, तो उनके लिए एक जो लाइन डेडिकेट करूँगा मैं। हेलो मेरी बहना हो मेरी बहना दीवानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है, मेरी बहना हो मेरी बहना, डर मत बहना बांध दे राखी उस रब पे सब छोड़ दे बाकी, दुनिया आनी जानी है मेरी बहना हो मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है, मेरी बहना हो मेरी बहना। तो दोस्तों इसके बाद मैं एक जिक्र करूंगा, हमारे एक चैनल है गुरुकुल एजुटेक, जो आनंद चिट्टी जी उनका नाम है, आनंद चिट्टी जी, हालांकि उनकी वीडियो मैंने एक या दो ही देखी है, लेकिन काफ़ी अच्छे इंसान है वो भी, मेरे से उनसे बात हो चुकी है, आनंद चिट्टी जी। और सबसे अच्छी बात है कि जो उनकी जो पत्नी जी है, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो उनका साथ जो है उनके साथ बराबर का साथ देती हैं। निर्जरा जी बहुत ही बढ़िया काम करती हैं, वो भी औरतों के लिए काफ़ी एक बड़ी मिसाल है कि औरतें जो है किसी काम में जो है कम नहीं है, बल्कि मर्दों से दो कदम आगे, घर का काम संभाल कर फिर और समाज की जो सेवा करती हैं, तो उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ निर्जरा जी को। तो निर्जरा नाम सुनकर मुझे तेरे नाम फिल्म की याद आ गई, तो ये सॉन्ग जो है मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, मतलब दोनों को करता हूँ, आनंद चिट्टी जी और निर्जरा चिट्टी जी के लिए, फिल्म तेरे नाम से कुमार सानू जी के अंदाज में एक लाइन। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा
सुनो तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सुनो हो जीवन अपना सारा सुनो। और एक लाइन में जो है उनके लिए पेश करना चाहूंगा दोनों के लिए, आनंद चिट्ठी जी के लिए, निर्जला चिट्ठी जी के लिए, क्योंकि एक दोस्त की तरह वो जो है मिलकर काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैं जो एक सॉन्ग जो है उनके लिए डेडिकेट करता हूं। दोस्त बन के आए हैं, दोस्त बन के ही रहना, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब तो मुश्किल है बहुत, दूर तुमसे ही रहना, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, दोस्त बन के आए हो। तो बस एक छोटा सा एक एंटरटेनमेंट है ये, और हर बार हम लोग जो है स्नेक की बात करते हैं, हर बार स्नेक का टॉपिक होता है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ एंटरटेनमेंट किया जाए। और इसके बाद जो है एक हमारे जो संस्था है वन्य पशु पक्षी सामाजिक संस्था, उसके जो अध्यक्ष हैं श्री विनायक बड़दे जी, जो हमारे सर भी हैं, और उनका जो गेटअप है शायद बहुत लोग जो उनसे वाकिफ नहीं हैं हमारे एरिया में जो, और हमारे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनसे वाकिफ हैं, तो उनका जो गेटअप है, उनका जो हुलिया है, तो वो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रातों में कोई शहंशाह जो है किसी जो किसी को बचाने के लिए जा रहा है या किसी जुल्म को रोकने के लिए जा रहा है, तो उनका एक गेटअप वैसा दिखाई देता है। तो विनायक बड़दे जी के लिए जो है मैं एक लाइन डेडिकेट करूंगा फिल्म शहंशाह से, अंधेरी रातों में। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिस लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिस लोग शहंशाह कहते हैं। थैंक यू। तो बस एक छोटा सा एंटरटेनमेंट है, फन है। तो हम जितने भी सर्ग मित्र हैं, बल्कि जो यूट्यूब में हैं और जो यूट्यूब में नहीं हैं फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, और सबको सल्यूट करता हूँ कि इसी तरह बढ़िया काम करते रहें, इंसानों को जो है जागरूक करते रहें, पर्यावरण को बचाने में साथ देते रहें। और दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, अपने खुद के लिए भी और हमारे जितने भी स्नेक कैचर सर्ग मित्र उनके लिए भी, कि भगवान हमेशा उनकी रक्षा करे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह भगवान उनका जो साथ दे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेजुबान प्राणियों को बचाकर उसके जो सही ठिकाने हैं वहाँ तक उसको हम लोग जो है पहुँचा सके। तो दोस्तों इस बीच में जो है हमारे जो एक दोस्त, मरूम दोस्त विक्रम मलोट जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम उसको भूल नहीं, उनको हम भूल नहीं सकते। हाल ही में जो है सर्वधन से जो है उनका जो इंतकाल हुआ, उनकी मृत्यु हुई, इस बात का जो दुख हमेशा रहेगा हमको, और हम कभी उनको भूल नहीं सकते। जब जब सांपों का जब जिक्र होगा तब तक विक्रम मलोट का जो नाम लिया जाएगा। तो मैंने उनके लिए जो है गाना डेडिकेट किया था आपने एक वीडियो में, फिर से उनके लिए भी मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ, एक लाइन विक्रम मलोट जी के लिए।
हेलो ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ए मेरे दोस्त लौट के आजा। तो विक्रम मनोज जी के लिए जो लाइन जो मैंने डेडिकेट की थी, और बस आखिर में ये कहना चाहूँगा कि बस ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था, और अगर बुरा मानने की जरूरत, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हम सब सब एक हैं, हम सबका एक ही मकसद है, हम सबका एक ही काम है, प्यार मोहब्बत से रहना। और कोई इसमें नंबर वन कोई नंबर टू नहीं है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। हमारा मकसद जो है सबका एक ही है, हमारा काम एक ही है, हमारी ड्यूटी एक ही है। तो प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ज़्यादा लंबी नहीं है, इंसान का कोई भरोसा नहीं है। 50 या 60 साल आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वक्त का कोई भरोसा नहीं है। और हम जितने स्नेक कैचर सर्व मित्र जो है मौत को साथ में लेकर चलते हैं, तो हमारा सामना जो है हमेशा मौत से होता है। कब इससे हम टकरा जाए हम ये कह नहीं सकते। तो बस सावधानी से जो भी काम हमको करना है, रिस्क लेना नहीं है, और कोशिश करनी है कि बिना हाथ में उठाए कोई भी सांप को जो है, जो जहरीले सांप है, बिना हाथ में उठाए उसको कोशिश करना है कि सही सलामत जो है उसको पकड़कर नेचर में छोड़ देना। और आखिरी में जो है मेरी बात को ख़त्म करने से पहले एक लाइन सुनाना चाहूँगा रफ़ी साहब के अंदाज में, और उसके बाद जो है मेरी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो रफ़ी साहब का जो एक सॉन्ग है मुकद्दर का सिकंदर में, तो लास्ट में एक लाइन जो है मैं मेरी तरफ से जो है कहना चाहूँगा या सुनाना चाहूँगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन को कराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के भी जीने की अदा वो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा, जान मन कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो जो है आपको पसंद आए, और सभी दोस्तों को एक बार फिर से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी में हमारे जितने भी जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं हाथ जोड़कर जो है दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारी जो वीडियो को देखते हैं, और हमारी जो जानकारी वो दूसरों को भी देते हैं। तो बस ऐसे ही हमारे साथ जो जुड़े रहे, बने रहिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें, और आपसे रूबरू जो है बार बार होते रहें किसी सांप की जानकारी के साथ या कोई भी प्राणी की जानकारी के साथ। और आखिरी में एक बार फिर से सभी को मैं सल्यूट करता हूं, और अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूं।
फिर मिलेंगे हम कोई नई वीडियो के साथ, फिर कोई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और हमेशा चौकन्ने रहो। धन्यवाद।